हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक। आज हम लोग सिंटैक्स ऑफ एडजेक्टिव्स का स्टडी करेंगे। सिंटैक्स ऑफ एडजेक्टिव में मैं आप लोगों को कुछ विशेष शब्दों को बताऊंगा कि उनकी मीनिंग रियल में होती क्या है, उनका प्रयोग वास्तव में होता क्या है। तो देखिए, सिंटैक्स ऑफ एडजेक्टिव्स, सिंटैक्स ऑफ एडजेक्टिव्स क्या होता है, यह हमें जानना है। हमने इसके बारे में कुछ बताया हुआ है, आगे कुछ नेक्स्ट बताने चल रहा हूँ, जिसे ध्यान से समझिए। सिंटैक्स ऑफ एडजेक्टिव्स, नेक्स्ट वाला देखिए, एडजेक्टिव्स। देखिए, सिंटैक्स ऑफ एडजेक्टिव्स में रूल नंबर 13 में बताता हूँ। रूल नंबर 13, रूल नंबर 13 क्या है कि कुछ एडजेक्टिव के कंपैरेटिव तथा सुपरलेटिव डिग्री में दो दो फॉर्म मिलते हैं। इस कंडीशन में हम इनके प्रयोग को बड़ी सावधानी से करते हैं, ठीक है। जैसे मैं आपको बताऊं, यूज ऑफ लेटर लेटेस्ट लेटर लॉस्ट। देखिए, यूज ऑफ लेटर लेटेस्ट लेटर लॉस्ट। इनके प्रयोग को जो है बड़ी सावधानी से समझना है और जानना है, ठीक है। तो पहले मैं आपको लेटर और लेटेस्ट का मतलब बताता हूँ। लेटर और लेटेस्ट, लेटर लेटेस्ट, देखिए LETE और लेटर, इस लेटर का सेंस है अधिक देर से, ठीक है। इसका मतलब है अधिक देर से, और जाहिर सी बात है कि लेट से ही बना हुआ, लेट मीन्स विलंब होता है, और उसी का लेटर हो गया है, और इसी का यह लेटेस्ट हो गया है। तो लेटर मीन्स अधिक देर से, और लेटेस्ट मीन्स नवीनतम। नवीनतम ऐसे ही लेटर, देखिए ऐसे ही लेटर, इस लेटर का मतलब है बाद वाला, क्रम ऐसा करता है, क्रम बाद वाला। और नेक्स्ट है इसका मतलब लास्ट, लास्ट में होता है अंतिम, अंतिम। देखिए इसका प्रयोग कैसे होता है, यह ध्यान रखिए कि जो लेटर और लेटेस्ट है यह समय के लिए प्रयोग होता है, समय के लिए, और ये जो इसका प्रयोग है इसका क्रम के लिए। यह आप समझ लेंगे, डबल टी है इसका मतलब होता है बाद वाला, लास्ट मिस अंतिम, यह भी क्रम ही शो कर रहा है, यह भी क्रम ही शो कर रहा है, यह समय शो कर रहा है, तो लेटेस्ट हो गया आपका। चलिए अब मैं आपको इसको सेंटेंस की माध्यम से समझाता हूँ, ठीक है। जैसे अर्जुन रिच्ड द स्कूल लेटर देन सतीश,
अर्जुन रिस्क द स्कूल लेटर देन सतीश। लेटर अर्जुन रिच द स्कूल लेटर देन सतीश, यानी अर्जुन रिच द स्कूल लेटर देन सतीश, मतलब अर्जुन सतीश से देर से स्कूल पहुंचा, या अर्जुन सतीश की अपेक्षा देर से स्कूल पहुंचा। चलिए एक और भी एग्जाम्पल देते हैं मैं आपको। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, द लेटेस्ट न्यूज फ्रॉम अमेरिका इज वेरी अलार्मिंग। द लेटेस्ट न्यूज फ्रॉम अमेरिका इज अलार्मिंग, वेरी अलार्मिंग। देखिए, द लेटेस्ट न्यूज फ्रॉम अमेरिका इज अलार्मिंग। देखिए यह जो है आपका समय शो कर रहा है, तो टाइम लिख सकते हैं हमें। चलिए इससे कुछ सेंटेंस देख लेते हैं, जैसे द लेटर पार्ट ऑफ द बुक इज वेरी डिफिकल्ट। ऑफ द बुक इज वेरी डिफिकल्ट। लेटर या लेटर बट्टी या लेटर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में द लास्ट स्टूडेंट टू कम वॉज राजेश। द लास्ट स्टूडेंट, देखिए द लास्ट स्टूडेंट टू कम वॉज राजेश। तो इस तरह से आपके समझ में आ गया होगा, पहला जो है वह समय शो कर रहा है और दूसरा जो है यह क्रम ऑर्डर यह क्रम शो कर रहा है समय। बस यह आपका, तो लेटर लेटेस्ट लेटर लॉस्ट, इसे बहुत ही सावधानी से बारीकी से आपको समझना है। क्लियर। चलिए अब मैं आपको नेक्स्ट रूल बताता हूँ। देखिए इससे पहले मैं मिटाता हूँ, रूल नंबर 14। देखिए रूल नंबर 14, यूज ऑफ ओल्डर ओल्डेस्ट एल्डर एल्डेस्ट। ओल्डर ओल्डेस्ट एल्डर एल्डेस्ट, बहुत ही आवश्यक प्रयोग हैं, रूल हैं, इन बारीकियों को जो है हमें समझना है। ठीक है, तो ओल्डर ओल्डेस्ट, ओल्डर ओल्डेस्ट एल्डर एल्डेस्ट, देखिए
इस दोनों में क्या अंतर है? यह जो है अवस्था बताने के लिए प्रयोग होता है, अवस्था, अवस्था, यह जो है रिश्ता, ओल्डर ओल्डेस्ट, एल्डर एल्डेस्ट, एक अवस्था बताता है, एक रिश्ता बताता है, ठीक है। यह अवस्था बताता है, उम्र बताता है कि उम्र में कोई कितना बड़ा है, यह रिश्ता बताता है कि रिश्ते में कौन कितना बड़ा है। बस यह है आपका ओल्डर ओल्डेस्ट, एल्डर एल्डेस्ट। चलिए अब मैं आपको सेंटेंस के माध्यम से बताता हूँ। जैसे दिस इज द ओल्डेस्ट टेम्पल, ओल्डेस्ट टेम्पल, दिस इज द ओल्डेस्ट टेम्पल, या मिस्टर शर्मा इज ओल्डर देन मिस्टर वर्मा, मिस्टर शर्मा इज ओल्डर देन मिस्टर वर्मा, ठीक है। तो यह जो है क्या है, आयु शो करता है, बड़े हैं आयु में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बताता हूं। जैसे मनु इज एल्डर टू सरिता, मनु इज एल्डर टू सरिता। नेक्स्ट नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, माई एल्डेस्ट सन इज अ डॉक्टर, इज ए डॉक्टर, ठीक है। तो अब देखा किससे आयु का संसार है, इससे रिश्ते का सेंस आ रहा है, रिश्ते में बड़ा। बस यह है आपका, तो यह आपके समझ में अच्छी तरह से आ गया होगा, बहुत ही बारीकी समझ रहा है। ओल्डर ओल्डेस्ट, एल्डर एल्डेस्ट, ओल्डर उम्र आयु, आयु में बड़ा दिखाता है, एल्डर एल्डेस्ट रिश्ते में बड़ा दिखाता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट मैं आपको बताता हूँ, नेक्स्ट 15th, फिफ्टीन देखिए, 15th में आपको हमें बताना है यूज ऑफ फार्दर फॉरदेस्ट, फार्दर फार्दर मोस्ट, यूज ऑफ फार्दर फॉरदेस्ट, फर्दर फर्दर मोस्ट, देखिए फर्दर फॉरदेस्ट, फर्दर फर्दर मोस्ट। तो जो ये वर्ड्स हैं, जो फर्दर है ये फॉर से बना हुआ है, फॉर मीन्स दूर, तो इससे आप सेंस निकाल सकते हैं कि यह दूरी शो करता है, ये दूरी प्रकट करने के लिए यह होता है, ठीक है। और जो यह है फर्दर फर्दर मोस्ट, फर्दर का सेंस होता है इसके अलावा, और जो फर्दर मोस्ट है इसका प्रयोग रेयर होता है, बहुत ही कम होता है, ठीक है। तो आप इसे समझिए यूं, फार्दर 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 मोस्ट, ये क्या करते हैं, ये दूरी दिखाते हैं, क्या मतलब होता है दूरी,
अलग अलग यदि करना हो तो आप ये समझ सकते हैं। अधिक दूर, अधिक दूर और फार्दर मोशन सबसे दूर। सबसे दूर, नेक्स्ट फर्दर, फर्दर फर्दर में होता है इसके अलावा। यह आपका है तो, और जो फर्दर मोस्ट है इसका प्रयोग रेयर होता है, बहुत कम होता है। तो चलिए अब हमें इसे एग्जाम्पल के माध्यम से बताना है। फर्दर फर्दर मोस्ट, फर्दर फर्दर मोस्ट, फर्दर फर्दर मोस्ट। तो फर्दर और फर्दर में आपको अंतर समझना है तो बता दिया। फर्दर में होता है अधिक दूर और फर्दर में से सबसे दूर। तो सेंटेंस के माध्यम से समझिए, जैसे द सन इज फार्दर फ्रॉम द अर्थ, द सन इज फार्दर, देखिए द सन इज फार्दर फ्रॉम द अर्थ, फ्रॉम द अर्थ देन, द सन इज फार्दर फ्रॉम द अर्थ देन द मून। देखिए द सन इज फार्दर फ्रॉम द अर्थ देन द मून। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, जैसे विच इज द फॉर्देस्ट स्टार इन द यूनिवर्स, विच इज द स्टार इन द यूनिवर्स। देखिए विच इज, विच इज द फॉर्देस्ट स्टार इन द यूनिवर्स। तो यह देख लिया आपने, दूरी डिस्टेंस शो कर रहा है, दूरी का पता चल रहा है। चलिए नेक्स्ट एक एग्जांपल मैं बताता हूँ, जैसे डू यू वॉन्ट टू एनीथिंग फर्दर, डू यू वॉन्ट डू यू वॉन्ट एनीथिंग फर्दर, डू यू वॉन्ट एनीथिंग फर्दर। तो देखिए डू यू वॉन्ट एनीथिंग फर्दर, क्या आपको इसके अलावा कुछ और चीज की आवश्यकता है, बस इसके अलावा या और भी। तो इस तरह से जो है आपने देख लिया इसका प्रयोग, ओल्डर ओल्डेस्ट, एल्डर एल्डेस्ट, फर्दर फॉर्देस्ट, फर्दर फर्दर मोस्ट। फर्दर मोस्ट का इस्तेमाल बहुत कम होता है, तो ये आपने देख लिया। इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट वर्ड बता रहा हूँ, जिसे देखिए। इसके बाद हमें नेक्स्ट टूल बताना है जिसे आप ध्यान देंगे। नेक्स्ट टूल है यूज ऑफ फर्स्ट फॉरमोस्ट, यूज ऑफ फर्स्ट फॉरमोस्ट, फर्स्ट और फॉरमोस्ट का प्रयोग कहाँ होता है ये ध्यान दीजिए। जैसे फर्स्ट,
यह क्रम शो करता है। फर्स्ट जो है यह क्रम शो करता है और फोरमोस्ट जो है यह श्रेणी, यह श्रेणी शो करता है। चलिए सेंटेंस के माध्यम से मैं बताता हूं। जैसे सचिन वाज द फर्स्ट बैट्समैन टू टेक द स्ट्राइक। वाज द फर्स्ट टू टेक, देखिए सचिन वाज द फर्स्ट बैट्समैन टू टेक द स्ट्राइक। चलिए एक और एग्जाम्पल देते हैं। फर्स्ट पहला व्यक्ति, क्रम में पहला व्यक्ति, श्रेणी में देखिए। जैसे सरदार पटेल वॉज द फोरमोस्ट स्टेट्समैन ऑफ हिज टाइम। वाज द फोरमोस्ट, स्टेट्स मैन ऑफ हिज, सरदार पटेल वॉज द फोरमोस्ट, फोरमोस्ट स्टेट मैन ऑफ हिज टाइम। चलिए नेक्स्ट मैं बताता हूँ आपको यूज ऑफ, देखिए नेक्स्ट देखते हैं। तो यह आपके समझ में आ गया होगा, फर्स्ट और फोरमोस्ट। सचिन वाज द फर्स्ट बैट्समैन टू टेक द स्ट्राइक। नेक्स्ट सरदार पटेल वाज द फोरमोस्ट स्टेट्समैन ऑफ हिज टाइम। चलिए अब मैं आपको नेक्स्ट रूल बताता हूँ। नेक्स्ट रूल यह है कि यूज ऑफ नियरेस्ट एंड नेक्स्ट, नियरेस्ट एंड नेक्स्ट। देखिए नियरेस्ट, नियरेस्ट और नेक्स्ट में क्या अंतर है। जो नियरेस्ट है वह दूरी बताता है और जो नेक्स्ट है वह क्रम बताता है। नियरेस्ट दूरी और नेक्स्ट यह क्रम बताता है। चलिए मैं एग्जाम्पल के माध्यम से आपको बताता हूँ। जैसे दिस इज द नियरेस्ट वे टू ताजमहल, दिस इज द नियरेस्ट वे टू ताजमहल। देखिए दिस इज द नियरेस्ट वे, सबसे कम दूरी टू ताजमहल, यह दूरी बताता है। दूरी बताने के लिए यह क्रम बताने के लिए, बस और भी क्लियर हो गया आपका। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं। जैसे द नेक्स्ट टेस्ट, द नेक्स्ट टेस्ट मैच विल बी प्लेड इन मुंबई। द नेक्स्ट टेस्ट मैच विल बी प्लेड इन मुंबई। देखिए नेक्स्ट और नियरेस्ट समझ में आ गया होगा। यह क्रम बता रहा है सीधा सीधा, नेक्स्ट टेस्ट मैच विल बी प्लेड इन मुंबई, नेक्स्ट अगला, ठीक है। और नियरेस्ट सबसे समीप, यह दूरी शो कर रहा है और यह क्रम शो कर रहा है। तो यह भी आपके समझ में आ गया होगा। चलिए मैं नेक्स्ट बताता हूँ आपको 18 नंबर।
देखिए नेक्स्ट रूल बताता हूँ। नेक्स्ट में मैं आपको बताऊंगा यूज ऑफ लिटिल और लिटिल द लिटिल। यूज ऑफ लिटिल लिटिल और लिटिल द लिटिल। चलिए देखिए यूज ऑफ लिटिल और लिटिल द लिटिल प्रयोग देखिए क्या क्या इसके प्रयोग होते हैं यह आपको देखना है। जैसे लिटिल 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 कहाँ प्रयोग होता है जब कोई चीज बिल्कुल नहीं के बराबर हो वहां पर लिटिल का प्रयोग होगा। जब कोई चीज नहीं के बराबर हो लिटिल हो गया लिटिल और लिटिल। और लिटिल में क्या करेंगे और लिटिल मिस से और लिटिल मिस होता है अधिक नहीं यानी आवश्यकता से बहुत कम। आवश्यकता से बहुत कम द लिटिल। द लिटिल का मतलब होता है कम लेकिन सब लेकिन कम लेकिन सब। चलिए मैं भी पहले सेंटेंस देता हूँ उसके माध्यम से मैं समझाता हूँ। जैसे देयर इज लिटिल मिल्क इन द पॉट चलिए लिटिल हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं जैसे आई हैव अ लिटिल मनी चलिए लिटिल हो गया। नेक्स्ट डू नॉट स्पॉयल द लिटिल मिल्क यू हैव Do not spoil the little milk you have. देखिए यह समझिए लिटिल और लिटिल द लिटिल। लिटिल मिस होता है नहीं लिटिल मिस होता है नहीं एग्जैक्टली नहीं नहीं होता है लेकिन जो कुछ भी होता है उसका सेंस नहीं के बराबर ही होता है। ठीक है जैसे देयर इज लिटिल मिल्क इन द पॉट बर्तन में बहुत थोड़ा सा दूध है। ठीक है बर्तन में बहुत थोड़ा सा दूध है। ठीक है जैसे मान लीजिए आपको एक लीटर दूध की आवश्यकता है ग्वाला के पास एक ही लीटर दूध है और
वह जो है आपको उसमें से दूध देना ही नहीं चाहता है, या ग्वाला के पास मान लीजिए दूध है और उस दूध को बेच चुका है लेकिन बर्तन वह है, तो यदि आप पूछेंगे तो एग्जैक्टली वह यही कहेगा कि देयर इज लिटिल मिल्क इन द बकेट, या कोई भी चीज़ हो सकता है। तो इस तरह से लिटिल का प्रयोग नहीं के बराबर होगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए केटली में है 5 कप चाय है और 5 लोगों को सर्व कर दिया गया, तो यदि कोई पूछता है कि केतली में चाय है तो अगला कहेगा कि हाँ देयर इज लिटिल टी इन द केटली, देयर इज लिटिल टी इन द केटली। एक्चुअली केटली में चाय नहीं है लेकिन कुछ थोड़े बहुत चाय लगे होंगे, एक आध चम्मच होंगे, जिनका कोई मतलब नहीं है, तो इस कंडीशन में लिटिल का प्रयोग करेंगे। चलिए, आई हैव अ लिटिल मनी, आई हैव अ लिटिल मनी का सेंस क्या है, देखिए अ लिटिल का मतलब क्या है, अ लिटिल का मतलब है आवश्यकता से बहुत ही कम, इसका तो कुछ मतलब ही नहीं है, इसका तो कुछ मतलब ही नहीं है, बस निगेटिव सेंस है। इसका मतलब है आवश्यकता से बहुत ही कम, ठीक है। इसे लिखा आई हैव अ लिटिल मनी, मेरे पास थोड़े से पैसे हैं। जैसे मान लीजिए आपको मुंबई जाना है, 2000 रुपये की आवश्यकता है, आपके पास 50 रुपये हैं या 100 रुपये हैं, 2000 रुपये की आवश्यकता है और 50 रुपये आपके पास हैं, तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे आई हैव अ लिटिल मनी, बोलेंगे आई हैव अ लिटिल मनी, यानी आवश्यकता से बहुत कम है। जैसे बताया कि 2000 रुपये की आवश्यकता है और आपके पास 100 ही रुपये है, तब क्या कहेंगे। किसी ने पूछा कि आपके पास पैसे है कि नहीं, तो आप क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे आई हैव अ लिटिल मनी, यानी आवश्यकता से बहुत कम है। नेक्स्ट देखिए द लिटिल, द लिटिल का मतलब यह है कि जितनी आवश्यकता हो है बस उतना ही, न उससे कम न उससे ज़्यादा। जैसे मान लीजिए आपको जो है मुंबई जाना है और 2000 रुपये आपके पास हैं, ठीक है, मुंबई जाना है 2000 रुपये की आवश्यकता है और 2000 रुपये हैं आपके पास में, तब आप कहेंगे, तब आप द लिटिल का प्रयोग करेंगे। जितनी आवश्यकता बस उतने ही हो तो द लिटिल, आवश्यकता से यदि बहुत कम हो तो अ लिटिल, और बिल्कुल हो ही नहीं, बहुत नाम मात्र का हो, उस कंडीशन में लिटिल। तो इस तरह से जो है आपके समझ में आ गया होगा लिटिल अ लिटिल द लिटिल। इसी पैटर्न पे आपका है फ्यू अ फ्यू द फ्यू, इसी भी जान जाइए। यूज ऑफ फ्यू, अ फ्यू द फ्यू, बस बिल्कुल इन्हीं जैसा कार्य इनका भी है। अंतर क्या है, अंतर यह है कि फ्यू अ फ्यू द फ्यू का प्रयोग काउंटेबल नाउन के साथ होता है, इनका प्रयोग जो है काउंटेबल नाउन के साथ होता है और इनका प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन के साथ होता है, बस दोनों में अंतर यही है और शेष सब बातें सेम है। फिर भी हम आपको एग्जाम्पल के माध्यम से इसे बताता हूँ, इसे देखिए समझिए। जैसे वी हैव फ्यू बुक्स, वी हैव फ्यू बुक्स, देखिए या काउंटेबल, वी हैव फ्यू बुक्स। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट जैसे ही वांट्स अ फ्यू कॉपीज, फ्यू कॉपीज। नेक्स्ट द फ्यू वर्ड्स,
दैट ही स्पोक वर सिंसियर। दैट ही स्पोक वर सिंसियर। चलिए, द फ्यू वर्ड्स दैट ही स्पोक वर सिंसियर। चलिए देखिए, फ्यू ऑफ यू और द फ्यू सेम कंडीशन है, सेम बातें हैं, बस अंतर यह है कि अकाउंटेबल के लिए और यह अनकाउंटेबल के लिए। जैसे वी हैव फ्यू बुक्स, मतलब इसका मतलब हुआ कि हमारे पास किताब नहीं है, या आप पैसे कहेंगे, या ऐसे समझिए कि मान लीजिए आपको 20 बुक की आवश्यकता है और उसमें और आपके पास उसमें से कोई एक छोटी सी किताब हो, तो उसका क्या मतलब है? कुछ मतलब नहीं है, नहीं के बराबर है। तब आप कहेंगे वी हैव फ्यू बुक्स, ठीक है। नेक्स्ट, ही वांट्स अ फ्यू कॉपीज, वह थोड़ी सी कॉपी चाहता है, ठीक है, उसे थोड़ी सी कॉपी की आवश्यकता है, वह थोड़ी सी कॉपी चाहता है, थोड़ी सी कॉपी चाहता है, 30 कॉपी की आवश्यकता है, और वह 5 ही 7 ही चाहता है, पैसे नहीं है, तो उस कंडीशन में आप ऑफ यू का प्रयोग करेंगे। द फ्यू वर्ड्स दैट ही स्पोक वर सिंसियर, वह थोड़े से वर्ड्स शब्द जिसने वह बोला, वह थोड़े से वर्ड्स वे थोड़े से शब्द जिसको वह बोला, सभी के सभी सिंसियर थे, जिम्मेदारी से परिपूर्ण थे। तो इस तरह से आपने जो है देखा कि जो द फ्यू है, जितनी आवश्यकता है उतनी ही, न उससे थोड़ा कम न उससे थोड़ा ज्यादा। और अ फ्यू का मतलब है आवश्यकता से बहुत ही कम, और द फ्यू और फ्यू का मतलब है निगेटिव, नहीं, नहीं के बराबर इसका सेंस होता है। तो इस तरह से आप लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू समझ गए होंगे। चलिए अब आपको कुछ नेक्स्ट आगे बताता हूँ। तो इस तरह से ये रूल आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट रूल मैं बताने चल रहा हूँ, देखिए नेक्स्ट रूल, नेक्स्ट रूल क्या है, यूज ऑफ सम एंड एनी, यूज ऑफ सम एंड एनी। सम का प्रयोग कहाँ करते हैं? सम का प्रयोग सामान्यतया अफर्मेटिव वाक्यों में करते हैं। देखिए, अफर्मेटिव MA, अफर्मेटिव सेंटेंस में होता है, ठीक है। अगला है नेगेटिव एनी, एनी नेगेटिव इंटरव्यू में होता है। चलिए, तो सम अफर्मेटिव सेंटेंस में होता है और एनी का प्रयोग नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में होता है। जैसे एग्जाम्पल के माध्यम समझिए, जैसे देखिए, ही हैज बॉट सम एनिमल, ही हैज बॉट सम एनिमल्स, ही हैज बॉट सम एनिमल्स। नेक्स्ट,
देयर वॉज सम मनी इन हिज पॉकेट। देयर वॉज सम मनी इन हिज पॉकेट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ब्रिंग मी सम कॉफी इन द मग। इन द मग। फोर्थ, तो इस तरह से जो है आप लोगों के समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट, ही डिड नॉट बाय एनी पेन। फिफ्थ एंड लास्ट देखते हैं, ही डिड नॉट बाय एनी पेन। नेक्स्ट, हैव यू एनी बुक फॉर रीडिंग। हैव यू तो इस तरह से देखिए आपके समझ में आ गया होगा कि सम का प्रयोग अफर्मेटिव वाक्यों में और एनी का प्रयोग निगेटिव और इंट्रोगेटिव वाक्यों में करते हैं। जैसे ही हैज बॉट सम एनिमल्स, देयर वॉज सम मनी इन हिज पॉकेट, ब्रिंग मी सम कॉफी इन द मग, ही डिड नॉट बाई एनी पेन, निगेटिव हो गया। हैव यू एनी बुक फॉर रीडिंग। तो इस तरह से आपके समझ में आ गया होगा। ओके।